गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम कर रहे हैं विशेषण शब्दों की रचना का अभ्यास। हमने आपको बताया कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और उनके विभिन्न भेदों की भी हमने चर्चा की। अब साथ ही हम आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार कई बार हम दूसरे शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। तो हमने ये देखा था कि संज्ञा शब्दों से हम विशेषण बना लेते हैं, धर्म से धार्मिक, और धर्म से धार्मिक, समाज से सामाजिक, फिर हमने देखा कि चमक से चमकीला, इस प्रकार शब्द बनाए संज्ञा से। फिर हमने सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण की रचना की, जैसे वह से वैसा, कौन से कैसा, मुझ से मुझसा, आप से आपसा। तो कई बार हमने देखा है कि हम संज्ञा या सर्वनाम से भी विशेषण शब्दों की रचना कर लेते हैं अगर विशेषण शब्द नहीं होता है तो। अब यहाँ पर शब्द जो हम करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार संज्ञा के सर्वनाम के अलावा भी हम कुछ और शब्दों से, यानी क्रिया शब्दों से सर्वनाम शब्दों की भांति विशेषण बना लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रिया शब्दों से भी हम विशेषण बनाते हैं। अब आप सोचोगे क्रिया तो काम वाला शब्द होता है, उससे विशेषण कैसे बनाएंगे, तो वही आज हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ शब्द दिए हैं, आप देख सकते हो ये सब क्रिया शब्द हैं। खाना, बिकना, लड़ना, झगड़ना, टूटना, बसना, वंद, वंद यानी वंदना करना, प्रार्थना करना, पठ्या में पढ़ाई करना, तो ये सब क्रिया के ही शब्द हैं। अब इनको हम इनसे विशेषण शब्द कैसे बनाए, जैसे कि वो बहुत खाना खाता है, खाना खाने का काम उससे उसके द्वारा ज़्यादा होता है, तो अगर हम खाना खाने से अगर हम विशेषण बनाएं तो क्या बनेगा, खाना से हम बता देंगे हाउ, खाना से हम शब्द बना लेंगे खाओ, तो हम कह सकते हैं वो बहुत खाऊ है, वो ज़्यादा खाता है, खाओ। उसी प्रकार बिकना, सामान बिकना, सामान बेचना, बिकने का काम। अब बिकना से हम विशेषण शब्द क्या बना सकते हैं, बिकाऊ, कि वह सामान बिकाऊ है, तो खाओ, खाना से हमने बनाया खाओ और बिकना से हमने बनाया बिकाऊ। अब बात करते हैं लड़ना और झगड़ना, अरे उसका काम ही लड़ना है, वो सबसे लड़ता है, तो लड़ना से हम क्या बना सकते हैं विशेषण शब्द लड़ाकू, क्या बना सकते हैं लड़ाकू, बहुत ज्यादा लड़ने वाले स्वभाव का है तो हम क्या कह देते हैं लड़ाकू। उसी प्रकार वो हमेशा झगड़ता है, झगड़ना उसका स्वभाव है, तो झगड़ना से क्या बना सकते हैं झगड़ालू, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं झगड़ना से झगड़ालू। तो ये क्रिया शब्दों से बनने वाले विशेषण शब्द हैं। अब आगे देखते हैं लूटना, लूटना उसका काम लूटना है, वह एक लुटेरा है, लूटना से आप बना सकते हो लुटेरा, लूटने का काम करने वाला व्यक्ति विशेषण। उसी प्रकार बसना, बसने का, जगह पे रहने का काम, अब उस काम से विशेषण कैसे बनाएंगे हम, बसना से बना देंगे हम बसेरा, बसना से हम क्या बना देंगे बसेरा, कि यहाँ पर लोगों ने बसेरा डाला। वंद, वंद यानी ईश्वर से वंदना करना, प्रार्थना, और वंदना करने के लायक तो क्या कहलाएगा वो शब्द वंदनीय विशेषण, वंदन से वंदनीय, पठ, पठ यानी पढ़ना, और जो पढ़ने लायक हो उसकी विशेषता पठनीय, पठनीय और पठित भी बोल सकते हो आप। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार हम क्रिया शब्दों से भी विशेषण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, खाना से खाओ, बिकना से बिकाओ, लड़ना से लड़ाकू, झगड़ना से झगड़ालू, लूटना से लुटेरा, बसना से बसेरा, बंद से वंदनीय, पठ से पठनीय। तो ये सारे क्रिया शब्द हैं और इनसे हमने विशेषण बनाया, संज्ञा की भांति, सर्वनाम की भांति क्रिया शब्दों से भी विशेषण की रचना की जा सकती है। ये अभ्यास आपको दिया गया है आपकी ही टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 109 यानी 109 पर, आप देख सकते हो ऊपर किस प्रकार कॉलम नंबर 3 यानी कि तीसरे क्रमांक पर ये। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सारे शब्दों को पढ़ना है, और हो सके तो कुछ उदाहरण कॉपी में भी लेखबद्ध करना है। जितना शब्दों को आप जानेंगे, जितना उनका अभ्यास करेंगे, जितने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे उतना आपको अभ्यास करने में आसानी होगी। तो कीजिए अभ्यास, सेहत का ध्यान रखो और पढ़ाई।